हेलो गाइस, जय माता दी। और मैं लगा आती हूँ कान्हा जी का भोग चाय से, और कान्हा जी का भोग लगा दे सुबह सुबह। कान्हा जी का भोग लग जाता है और फिर हम तीनों की चाय, काव्या की मेरी और काव्या के पापा की, तीनों पियेंगे चाय। और देखो इधर मैंने इनका दलिया रख दिया है बनाने, ये नाश्ता करके चले जाएंगे। क्योंकि मैं बोल नहीं रही क्योंकि मेरे देखो भजन चल रहे हैं तो फिर मैं बोल नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। और फिर तो भजन दिखा रही हूँ मैं, भजन चल रहे हैं मेरे, इसलिए मैं बोल नहीं रही। और अब पी लेती हूँ पानी, मिक्स करके पीती हूँ ठंडा। और वो अब तो गर्मियों में खैर मुझे ठंडा पानी चाहिए, मिक्स चाहिए, जैसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और अब ले जा रही हूँ ऊपर चाय। और देख रही थी बादल कैसे हो रहे हैं, लेकिन आज गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऊपर लेके चलती हूँ चाय। और देखो ये जग गए थे। और गई जय माता दी, और आप कैसे हो? और आज मैं बनाऊंगी दम आलू की सब्जी, और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है दम आलू की सब्जी, और बहुत दिन बाद बन रही है हमारे यहाँ दम आलू की सब्जी। और बनाती हूँ, और आटा भी गूंदना है, और बहुत टाइम हो चुका है मेरे काम के लिए, और करते हैं। और आज मुझे सुबह उबह के कवर भी हटाने हैं क्योंकि बहुत गंदे हो गए हैं। आज नहीं धोऊंगी क्योंकि वीरवार है, और हटा के रख दूंगी सिर्फ। और अभी मेरा काम यूं ही है, 10 का टाइम हो रहा है, और अभी पहले मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ क्योंकि रसोई वसोई क्लीन करके पहले मैं खाने की तैयारी। और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है दम आलू की सब्जी, और बहुत दिन बाद बन रही है हमारे यहाँ दम आलू की सब्जी, और बनाती हूँ, और आटा भी गूंदना है, और बहुत टाइम हो चुका है मेरे काम के लिए, और करते हैं। और आज मुझे सुबह उबह के कवर भी हटाने हैं क्योंकि बहुत गंदे हो गए हैं। आज नहीं धोऊंगी क्योंकि वीरवार है, और हटा के रख दूंगी सिर्फ। और अभी मेरा काम यूं ही है, 10 का टाइम हो रहा है, और अभी पहले मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ क्योंकि रसोई वसोई क्लीन करके पहले मैं खाने की तैयारी कर। और देखो फिर मैं बनाने लगी दम आलू की सब्जी। और जब कि मुझे इतना लेट हो रहा था, सच्ची बताऊँ मुझे 10:30 बज रहे थे जब मैं सब्जी बना रही थी, और मेरी कोई सफाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और देखो मैं कच्चा आलू था तो मैं इसे छेद कर रही हूँ इसमें, क्योंकि और ये कच्चे आलू हैं, सारे कच्चे आलू मैं देखो अब इसमें तेल में डाल दूँगी। और तेल में डालने के बाद फिर मैं इन्हें फ्राई होने दूंगी, इन्हें गलने दूंगी थोड़ा सा, जैसे आलू गलने लगें, जैसे सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। और दम आलू की सब्जी सही मैं अब डमिंग लास्ट में कर रही हूँ, बहुत अच्छी बनी थी। और देखो फिर मैं आटा गूंद लूँगी क्योंकि मेरी खिचड़ी बच गई थी रात की, कौन कौन करता है बताना है ऐसे। और देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, खिचड़ी थी तो खिचड़ी की रोटी या पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, कौन कौन करता है बताना। और इसमें देसी घी का छौंक लगता है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और देखो मेरा आटा गूंद गया, और अभी मेरे 10:30 बजे हैं, और देखो कोई काम नहीं हुआ, और आटा रख दूंगी गूंद के। गूंद गया मेरा आटा, और दम आलू की सब्जी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, और कोई सब्जी इतने मन से नहीं खाते जितनी दम आलू की खाते हैं। और देखो आलू गल गए हैं मेरे थोड़े से, और गलने दूंगी क्योंकि ये अभी और होंगे थोड़े से, क्योंकि उसमें फिर थोड़ी जैसे धीमी आंच पर करूँगी, और फिर मैं निकालूंगी मलाई। और देखो रात को मैं इस दूध को छूती नहीं हूँ, इसमें बहुत सारी मलाई निकल आती है, और इसी मलाई को मैं दम आलू में यूज करूँगी क्योंकि ताज़ी फ्रेश मलाई यूज करूँगी इसमें। दम आलू की सब्जी बताना किस किस को पसंद है। और दूध को फिर मैं पलट के रख दूँगी, अब ये दूध हमारे चाय वगैरह के काम आएगा। और फिर मैंने ले लिए खड़े मसाले, खड़े मसाले डाल दूँगी। खड़े मसाले डालने के बाद मैं तेज पत्ता वगैरह जैसे सारे लौंग इलायची, और देखो मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, नमक तक डाल दिया है मैंने, जीरा और टमाटर प्याज और हल्दी मिर्च अदरक वगैरह सारा मैंने डाल दिया है इसमें। और बना लिए हैं मैंने, और कसूरी मेथी भी डाल दूंगी मैं। और देखो और होने दूंगी इसको मैं, और फिर मैं अपने काम पर चली जाऊँगी, फिर मुझे सुबह वह भी सही करने थे। और ये देखो मसाला हो रहा है मेरा, मैं छोड़ दिया है मैंने, और जब तक अच्छे से मसाला ना हो तब तक सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। और देखो फिर मैं कर दूँगी अपने बेड वेड को साफ जब तक मुझे, और देखो मुझे सारे बेड के कपड़े जैसे
बेड शीट वगैरह हटानी थी, तो मैंने सोचा लाओ बीच में यही काम कर लेती हूँ मैं। और सोफ़े के कवर भी हटाने थे और बहुत दिन से नहीं थे, आज वीरवार है फिर भी मैंने हटा दिए थे, और कल धोऊंगी इन सबको, शुक्रवार वाले दिन धोऊंगी कपड़ों को, और कल तो मैं मशीन लगाऊंगी। और काम बहुत फैल जाते हैं सच्ची, एक ना एक काम निकलता रहता है। और देखो मेरा मसाला बहुत अच्छे से हो गया था, और देखो अब मैं फ्रेश मलाई डाल दूंगी, अभी आपके सामने निकाली थी, और देखो कितनी अच्छा रिचनेस आ रहा है सब्जी में। अगर आप ऐसे सब्जी ट्राई करोगे बहुत अच्छी बनती है, और मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट है, और सब्जियों को तो वो मना करते हैं लेकिन ये वाली सब्जी वो खा लेते हैं। और देखो बन गई, और ज़्यादा टाइम नहीं, और ये तेल में ही फ्राई हो गई थी अच्छे से, और गलने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में। वैसे उबाल के भी बना लेते हैं कई लोग, लेकिन मैंने उबाल के नहीं, मैंने कच्चे आलू ही तेल में फ्राई करके बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। और देखो मैंने सोफे वोफे के कवर सब हटा दिए, और कितना अच्छा लग रहा है, अगर बेड शीट और सोफे के कवर हट जाएँ तो बहुत सुंदर लगने लगता है घर, और एकदम नीट एंड क्लीन लगने लगता है। और फिर हम अब इसके बाद मैं मिलूँगी दोपहर में, क्योंकि अब मैं झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊँगी। और देखो बज गया एक और फोन बज रहा है, और हम मैं बनाना रोटी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आ रहे होंगे तो हम सब लोग इकट्ठा खा लेंगे। और फोन बज गए काम करते करते, और आज मुझे हो गया था लेट इसलिए, और अब बना लेते हैं खाना, और मैं रोटी बना के रख लेती हूँ और सब लोग इकट्ठे खा लेते हैं तो अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड भी आ रहे होंगे तो हम बना लेते हैं खाना, और खाना इकट्ठा खाने में बहुत अच्छा लगता है। और देखो दम आलू की सब्जी मेरी और कितनी अच्छी बनी है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है दम आलू की सब्जी, और हमारे घर बहुत दिन से नहीं बनी थी, और अब बना लेते हैं रोटी, आ रहे होंगे। और ये देखो ये आटा थोड़ा पतला सा हो जाता है, खिचड़ी का आटा मैंने गूंधा, ये पतला हो जाता है। और बाहर गाने बज रहे हैं, मुझे लग रहा है म्यूट ना करनी पड़े आवाज, क्योंकि म्यूजिक आ ना जाए। और मैं बना लेती हूँ रोटी, और भगवान जी का भोग लगा के आऊंगी। और देखो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था नाश्ते में दलिया, दलिया भी ले लेंगे बच्चे जो कोई खाएगा, और बहुत अच्छा बना है दलिया। और देखो मुझे रोटियां बनानी हो तो मैं चार चार रोटियां सेक रही हूँ, जल्दी जल्दी बन जाएंगी। और देखो चार रोटी एक साथ पचा लेती हूँ मैं, और बन जाएंगी जल्दी जल्दी। कौन कौन बनाता है बताना, ऐसे मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे ज्यादा खाना बनाना हो तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और देखो मेरी रोटियां वगैरह बन गई, और हम लोग सब खाएंगे इन रोटियों को जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, और सबकी बना ली हैं, और इकट्ठे रोटियां अच्छी लगती हैं। और देखो मैं दम आलू की सब्जी अब बन गई थी, मैंने दिखाना भूल गई शायद आपको, दिखाई कि नहीं पता नहीं मुझे, और मैंने दिखाई नहीं है शायद, और बहुत टेस्टी बनी थी, यम्मी बनी थी, और बनाने का प्रोसीजर तो दिखाया मैंने आपको, और फिर मैंने लास्ट में जैसे दिखाना भूल गई आपको सब्जी, और बहुत ही यम्मी बनी थी। और फिर मैं कर लूँगी रसोई वसोई साफ, पहले तवा माज लूँगी, और मेरे पास देखो एक दीवला होता है जो दीपावली पे लेते हैं, मैं इसी से घिस घिस के साफ करती हूँ इसको अपने तवे को, और साफ हो जाता है। और चकला बेलन पहले ही साफ करने चाहिए, और चकला बेलन ही थे, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे मेरे पास। और देखो मेरा खाना वाना बन गया, और सवा बज गया, खाना बना के अब फ्री हुई हूँ बिल्कुल, और पसीने पसीने रसोई में से पसीने हो जाते हैं सारे, और बन गया खाना वाना मेरा, बस अब मुझे देना है सबके लिए। और अभी तक तो नहीं आए मेरे हस्बैंड, सवा बज गया, और अब बात करने को मिल रही है आपसे मुझे, और मुझे लग रही है गर्मी, तो मैंने थोड़ी सी थम्सअप ले ली है और पीऊँगी, सॉरी बोलने में हो जाता है। और आप लोग कैसे हैं, और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे, और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।